की रसोई में। तो आज हम सीखेंगे कुछ मसालों के नाम इंग्लिश में। पहला है नमक। नमक इज कॉल्ड एज सॉल्ट। कुछ लोग घरों में सेंधा नमक भी यूज करते हैं, उसे क्या कहेंगे? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। देन इज हल्दी। हल्दी इज नोन एज टर्मरिक। टर्मरिक। नेक्स्ट इज लाल मिर्च। लाल मिर्च। रेड चिली। कुछ लोग इसका पाउडर यूज करते हैं, मसाला यूज करते हैं, उसको क्या कहेंगे? लाल मिर्च का मसाला। ऑलराइट, सो मसाले की जगह जहां भी हमको इंग्लिश लिखनी है वी विल से पाउडर। यस। ओके। नेक्स्ट इज इमली। इमली इज नोन एज टैमरिंड। टैमरिंड। गुड। गुड कितना पसंद होगा ना हमें। इट इज नोन एज जागरी। जागरी। हींग। व्हाट विल यू प्रोनाउंस इट दीपिका? As a foetida? No. It is known as asafoetida. Okay, asafoetida. Yes. Then we have sarso. Sarso is known as mustard seed. Okay, तो हमारी वो डिश में यही वाले थे। Yes. Okay, तो सरसो is mustard seed. Next is rye. Rye is known as brown mustard seed. वैसे कहा जाता है rye का जो size है वो mustard seed से थोड़ा छोटा होता है। तो क्या हम इसको स्मॉल मस्टर्ड सीड कह सकते हैं? Of course we can say small mustard seed. So rye is brown mustard seed and small mustard seed. Yes. Then we have जीरा। Cumin seed. Cumin seed. Next is methi. Fenugreek seed. Fenugreek seed. धनिया। धनिया is known as coriander. और कुछ लोग सूखा धनिया भी डालते हैं, उसको क्या कहेंगे? In spices we have सूखा धनिया which is known as coriander powder. Coriander powder is सूखा धनिया। Till? Till. What will you pronounce it? Sesame? No. It is known as sesame seed. Okay, we'll say sesame. Sesame. Sesame seed. Elaichi. Elaichi is known as cardamom. Cardamom. Long? Long is known as cloves. Cloves. Long is cloves. Then we have sauce. Sauce is fennel seed. जनरली हमको रेस्टोरेंट में खाने के बाद मिलती है, सो वी कैन से सौंफ, फेनल सीड। अमचूर। मैंगो पाउडर। आम से बना हुआ पाउडर, मैंगो पाउडर। तेज पत्ता। तेज पत्ता इज नोन एज बेलीफ। बेलीफ। देन वी हैव केसर। केसर इज सैफरन। सैफरन। केसर। काली मिर्च। ब्लैक पेपर। और इसके मसाले को हम कहेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। Yes. Okay, so black pepper powder masala और सूखों को कहेंगे black pepper, right? दालचीनी। Cinnamon. Okay, so that was all for the day. दालचीनी, cinnamon. So आज के लिए हम इतने ही मसाले रखते हैं। अगली कुछ videos में हम और चीज़ें सीखेंगे जो कि kitchen से related होगी। So मैंने तो बहुत कुछ सीखा। So guys, I hope you will also learn. That was such videos. Stay tuned.